नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एस के माथुर G2S एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं माय डियर RRB JEE का। आपका रिजल्ट आ गया है, सभी जोन्स का नहीं आया है, कुछ जोन्स बचे हुए हैं। RRB JEE का रिजल्ट आपका CBT 2 का आ चुका है। CBT 2 के बाद आपका क्या होना है, डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होना है, मेडिकल होना है। उसके बाद जो इसमें पास हो जाएगा उसका आपका फाइनल सिलेक्शन, आप JEE बन जाएंगे। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन काफ़ी बच्चों का हुआ होगा। तो माय डियर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्या है, मेडिकल कैसे होगा, फाइनल सिलेक्शन क्या है और कौन कौन से जोन्स का रिजल्ट आ गया वो मैं आपको बताऊंगा। माय डियर मैं आपको लेकर चलता हूँ, यहाँ पे देखिएगा कि आपका ये कौन सी वैकेंसी है और कब का रिजल्ट है आपका। जैसे एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था 2/11/2019 से, लास्ट डेट ये थी आपकी। और इसमें कितनी पोस्ट थी आपको ये पता होगा। इसमें पोस्ट आपकी ये आपका स्टेज 1 का एग्ज़ाम जो हुआ था, स्टेज 1 का एग्ज़ाम आपका 22/5/2019 को हुआ था। ठीक है, स्टेज 2 का एग्ज़ाम आपका 28/8/2019 से लेके 1/9/2019 तक हुआ था। ठीक है, अब इसमें माय डियर आपका क्या हुआ है, इसमें आपका रिजल्ट आ गया है CBT 2। इसके बाद आपका इंटरव्यू तो होना नहीं, इसमें फाइनल आपका मेडिकल होना है। मेडिकल के बाद आपको ये जॉब मिल जाएगी। ठीक है, इसमें आपको टोटल सीटें, जैसे आपका डिप्लोमा और बीटेक होना चाहिए था, डिप्लोमा एंड बीटेक इंजीनियरिंग में, और इसमें टोटल सीटें आपकी कितनी थी, 13,487 थी। ठीक है, जूनियर इंजीनियर की थी 12,844। तो ये तो आप लोगों को पता ही है। अब हम आपको रिजल्ट लेके चलते हैं माय डियर, रिजल्ट में क्या बात हुई है। तो इसके लिए आप देखिएगा यहाँ पे आपको क्या है, इसमें इस जोन्स के आ चुके हैं आपका, कहाँ कहाँ का आ गया, सिलीगुड़ी आ गया, गुवाहाटी आ गया, भुवनेश्वर आ गया, बेंगलोर आ गया, मुजफ्फरपुर आ गया, अजमेर आ गया, कोलकाता, रांची और अहमदाबाद। कुछ जो आपके बहुत बिजी जोन है, जैसे कि अभी इलाहाबाद नहीं आया आपका, ठीक है, गोरखपुर नहीं आया, तो इसका वेट करिए आप, ये लोग जल्दी आ जाएगा इसका रिजल्ट। आप इनकी जो मेन वेबसाइट है, हर जोन की आपकी हर इसकी अलग अलग वेबसाइट है, तो आप इलाहाबाद की वेबसाइट में जाएंगे मिल जाएगा, गुवाहाटी की जाएंगे मिल जाएगा, और नहीं तो आप यहाँ पे आप क्लिक करेंगे जाके तो यहाँ से आपको रिजल्ट हर चीज़ का PDF मैं नीचे प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। और अगर नहीं प्रोवाइड कर पाता हूँ तो आप सरकारी रिजल्ट में जाके ये चीज़ें देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका, तो मैं आपको कुछ रिजल्ट दिखाता हूँ, उसमें मैं आपको बताऊँगा भी। जैसे कि मैंने आपका ये आपका कहाँ का है, अजमेर का है, अजमेर का ये रिजल्ट है आपका। और आपका एक और मैं रिजल्ट दिखाता हूँ, वो आपका उसके में जो इंस्ट्रक्शंस है वो आपको पढ़ के बता दूँ, तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा और ये आपके इंस्ट्रक्शन काम आएंगे। तो आप क्या करिएगा, हर वेबसाइट में जाकर उसका PDF ये देखिए, इसका नीचे रोल नंबर दिए हैं, आपके रोल नंबर क्या है, आपके मेरिट के हिसाब से नहीं, सीक्वेंस में दिया है, जैसे 20381229051245 के बाद क्या आएगा, ये 51245, इसके बाद क्या है कि आपका सीक्वेंस में दिया हो, मेरिट के बेसिस पे नहीं है। ठीक है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर पे नंबर, जिसका स्टार्टिंग से एंड तक होगा। और आपका इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए इन्होंने, नीचे आपको सबसे नीचे इन्होंने कट ऑफ दिया है, ये आपके रोल नंबर दिए हैं, आप अपना रोल नंबर चेक कर लीजिएगा। रोल नंबर अगर आपका है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए आगे एक नोटिस आएगा, आपको वेबसाइट में जाके ही देखना है। ये आपको लास्ट में दिया है कट ऑफ मेरिट इंडेक्स ऑफ द वेरियस कैटेगरी पोस्ट, अलग कैटेगरी पोस्ट के हिसाब से अलग अलग कट ऑफ दिया है। तो इसमें आप जिस भी जोन के हैं उस जोन पे जाके अपना ओपन करके, जो भी कैटेगरी है, UR ओपन, ये NFR नॉट, ये सब आप देख लीजिएगा, इसमें आपका ये कट ऑफ है। अगर आप क्वालिफाई कर गए हैं तो आप कट ऑफ का कोई मतलब ही नहीं आपके लिए, आप अपना तैयारी करिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके लिए आप तैयारी करिए। मैं आपको इसमें पॉइंट्स पढ़ के बताऊंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स ये पढ़ते नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको ये पढ़ के बताऊंगा, आप जल्दी जल्दी इसको सुनिए। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट, परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट के बेसिस पे सेकेंड स्टेज का CBT टेस्ट जो कि कंडक्ट हुआ था 28/1/19/2019 को फॉर द जूनियर इंजीनियर, ये अलग अलग पोस्ट है आपकी, कोड आपका 3/2019, कैंडिडेट बियरिंग द रोल नंबर लिस्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में आपका, मेरिट के हिसाब से नहीं, एंड नॉट इन द मेरिट, हेयर इन अंडर हैव बीन प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल। तो जिनका रोल नंबर है वो आपका क्वालिफाई कर गए, प्रोविजनली इसलिए बोल रहा है क्योंकि किसी के डॉक्यूमेंट में गलती होगी तो वो अभी निकाले जा सकते हैं, मतलब इसलिए प्रोविजनली बोला है, प्रोविजनली क्वालिफाइड। सेकेंड पॉइंट है, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हैज बीन डन, जो भी आपका CEN ड्यूली कंसिडरिंग कम्युनिटी वाइज कट ऑफ मार्क्स, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से कम्युनिटी वाइज आपके स्क्रीनिंग कैंडिडेट की गई है सेकेंड स्टेज CBT के लिए, और उसके हिसाब से प्रेफरेंसेस एंड मेरिट इंडेक्स आपको सेकेंड स्टेज के दिए हुए हैं। थर्ड पॉइंट आपका देखते हैं, मेरिट इंडेक्स हैज बीन जनरेटेड फॉर ऑल द कैंडिडेट हुज नॉर्मलाइजिंग स्कोर इन
मल्टी सेशन एग्जाम ग्रुप एंड रॉ स्कोर फॉर द सिंगल सेशन एग्जाम सेकेंड सीबीटी मोर देन द इक्वल टू द कम्युनिटी क्वालिफाइंग, अगर क्वालिफाइंग मार्क्स से अधिक हैं तो आपको इसमें रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। फोर्थ पॉइंट आपका, कैंडिडेट आर एडवाइज टू रिफर टू कम्युनिटी वाइज कट ऑफ फॉर द ईच पोस्ट डिक्लेयर बाय पब्लिशिंग द लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड सेकेंड स्टेज सीबीटी टू नो देयर एलिजिबिलिटी फॉर एलोकेशन ऑफ देयर प्रेफरेंसेस पोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट। द कैंडिडेट वुड बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट फॉर विच हिज और हर कम्युनिटी वाइज कट ऑफ फर्स्ट स्टेज सीबीटी इज लेस देन और इक्वल टू हिज फर्स्ट स्टेज स्कोर सब्जेक्टेड टू ऑप्टिंग द सेम वाइल सबमिटिंग देयर एप्लीकेशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं आपका सीबीटी वन और सीबीटी टू की बात बताया जिसके मार्क्स कम है सीबीटी कट ऑफ से उसके लिए ये तो नहीं है, वो तो पता ही है। मैं सीबीटी टू से दिया जो आपका फर्स्ट में क्वालिफाई कर चुका है। द लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंक्लूडिंग 50% एडिशनल कैंडिडेट, मतलब 50% एडिशनल कैंडिडेट इसमें लिए गए हैं। कैंडिडेट सब्जेक्टेड टू अवेलेबिलिटी ऑफ द एलिजिबिलिटी कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ ओवर एंड अबव नोटिफाइड रिवीजन वैकेंसी पब्लिश ऑन द वेबसाइट आरआरबी, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन द कट ऑफ मेरिट इंडेक्स ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज नॉट नोटिफाइड हेयर विथ, यहाँ पे आपका कट ऑफ जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नहीं है, वो बाद में आएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा उसमें आपको ई कॉल लेटर आएगा, ई कॉल लेटर आएगा विद डिटेल्ड डेट एंड टाइम कब होगा वो आपको उसमें मेंशन होगा। आप डाउनलोड करिएगा वेबसाइट से आरआरबी की, आप उसमें के लिए अलग से आपका लेटर डाउनलोड करना पड़ेगा, एडमिट कार्ड ई आपका ई एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, ठीक। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या करना है, दो सेट आपको ले जाने हैं जीरोक्स के, ठीक है, A4 साइज में, जो कि आपको ई कॉल लेटर में लिखा होगा वो, ठीक है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को कोई भी पैसा नहीं देना है, वहाँ पे आपको 3 से 4 दिन के लिए प्रिपेयर होकर जाना है, जहाँ के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद 3 से 4 दिन क्या होगा आपका मेडिकल भी होने के लिए 3 से 4 दिन लग सकते हैं, और मेडिकल में आपको 24 रुपये फीस वहाँ पे जमा करनी पड़ेगी, उसके अलावा आपको कुछ जमा नहीं करना है। तो ये आप देखिएगा नीचे आपको ये पॉइंट दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको 3 से 4 दिन की व्यवस्था करके जानी है अपने हिसाब से, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको वहाँ पे कितना 24 रुपीज़ ओनली जमा करना है मेडिकल के लिए, ठीक है। उसमें कई चीज़ होंगी, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड टेस्ट, ये सब जो भी टेस्ट होते हैं मेडिकल के वो होंगे, ठीक। 24 रुपये के अलावा आपको वहाँ पे और कुछ नहीं देना है, ठीक है। आपको दलालों से सावधान रहना है, किसी भी तरीके से पैसे के लेन देन की मैं आपको सिलेक्शन करवा दूंगा इस पर आपको नहीं जाना है। माय डियर, आप सभी को जो क्वालिफाई किए उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर देयर क्वालिफिकेशन, और आप अलग अलग जोन के हिसाब से, अभी इलाहाबाद का नहीं आया, गोरखपुर का नहीं आया, लेकिन जल्दी वो अपडेट हो जाएगा। तो माय डियर, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, और हमारा जो चैनल है आपका G2S Academy, आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि सिविल की तैयारी हम लोग करवाते हैं G2S Academy, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ G2S Academy, इसके लिए आप जाइएगा हमारे चैनल पर, सिविल के लिए हम तैयारी करवाते हैं JEE और AE दोनों की। हमारे यहाँ गवर्नमेंट टीचर्स हैं, गवर्नमेंट जॉब करने वाले लोग हैं जो हम यहाँ पे पढ़ाते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। सिविल के लिए जैसे आपको मैं दिखाऊँ, ये जो चैनल है आपका, इसमें अगर आप जाएंगे मेरे चैनल पर तो आपको ये दिखाता हूँ मैं आपको, काफ़ी वीडियोस पड़े हुए हैं, और JEE के लिए UP PSC UPSSSC ये आप जाके इसमें प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सीक्वेंस वाइज वीडियो सिविल के मिल जाएंगे, जो भी आपकी जानकारी में पढ़ने वाले लोग हों तो इसमें सब्जेक्ट वाइज पढ़े हुए हैं काफ़ी वीडियोस चैनल पे। आप जाके इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, G2S Academy सर्च करिएगा, काफ़ी वीडियोस पड़े हुए हैं। माय डियर, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग this video and congratulations for the candidate who qualified in their RRB CBT 2 examination. Thank you for watching this video.